राज्य गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। तंत्र काल शुरू हो रहा है, अर्थात वो महीने जिसमें तांत्रिक क्रियाएं सबसे प्रबल होती हैं। तो लोगों को काला जादू का डर बहुत ज्यादा होता है, उससे आप लोग विरमित रहिए, क्योंकि काला जादू करने की औकात बहुत कम साधकों में। हाँ, एक चीज होता है कि इस समय बहुत सारे साधक साधना करते हैं, वो निम्न स्तर के साधना भी करते हैं, उच्च स्तर के भी साधना करते हैं। जो निम्न स्तर के साधक होते हैं उनका मनोभाव ही होता है कि किसी के अहित के लिए किसी साधना को करें, और ऐसे साधक जब किसी को दूरदृष्टि से भी देख लेते हैं तो उनका तबीयत खराब या कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में नजर लगना कहते हैं। ये अभी से लेकर के दुर्गा पूजा, काली पूजा, फिर भैरवाष्टमी तक ज्यादा होता है। बच्चों को खास करके बहुत अच्छे से रखना चाहिए इस काल में, साधकों पर बहुत विशेष प्रभाव नहीं देता है। जो छोटी छोटी साधनाएं करते हैं, जो खुद को डाइन घोषित कर रखा है जिन लोगों ने, और डाकनी और डाइन में लोग अंतर नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोगों के दूरदृष्टि से भी जो आपका एनर्जी सिग्नेचर या छोटे बच्चों का जो एनर्जी सिग्नेचर है वो खराब हो जाता है। होता क्या है नजर लगने में, नजर लगने में जब आप एक व्यक्ति जिसका जो मेंटल बॉडी है वो शरीर के बाहर होता है, जो एनवायरमेंट होता है उसमें नेगेटिव या नेगेटिविटी भर दी जाती है, जिससे वो फील गुड नहीं करता है, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जो कर्स होता है वो वाटर के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो जो पंच महाभूत है आपके शरीर के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस कारण से नजर लगता है, जिसको हम नजर लगना आम भाषा में कहते हैं। ऐसे में पंच महाभूत को बैलेंस कर लेना चाहिए। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत तरीका देखा होगा अभी तक, कि नींबू सर के चारों तरफ घुमा के फेंक दिया, या मिर्च चला करके और सर के चारों तरफ घुमा के फेंक दिया, वो भी अपना असर दिखाता है। लेकिन पूर्ण रूपेण अगर आपको अपने बच्चों का नज़र उतारना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक लौंग, एक कपूर की टिकिया, एक नींबू, एक तांबे का प्लेट और एक चाकू का। सबसे पहले क्या करेंगे, नींबू को लेंगे और नींबू का मध्य देख लेंगे, ठीक है, जो मध्य का पहले भाग में आप भगवती का मंत्र, चाहे तो ओम क्रीम फट स्वाहा, ठीक है, या फिर ओम स्त्रीम ताराय हुम फट स्वाहा, इन दोनों में से किसी एक मंत्र को तीन बार पढ़ के तीन बार फूकेंगे, और ठीक उसके उल्टे तरफ आप नींबू पर ओम भम भैरवाय फट ऐसा तीन बार बोल करके फूकेंगे। ऐसा करने से वो जो नींबू है वो अभिमंत्रित हो जाएगी। उसके बाद जो भी बच्चा अफेक्टेड है, नहीं भी है, अगर दिन भर घूम कर आया है तब भी ये करना, उसके त्रिनेत्र पर इस नींबू को रखना और उसके राइट से घुमाते हुए फिर से त्रिनेत्र पर लेके आना उस नींबू को, ऐसा सात बार करना। उसको सामने बैठा कर, सामने तांबा का प्लेट रखना, उस पर वो नींबू को रखना, उस पर एक कपूर डालना, उस पर एक लौंग डालना और उसको जला देना। उस बालक को या जिसका भी नज़र आप उतार रहे हैं उसको तब तक वहाँ बैठा कर रखना जब तक वो कपूर पूरा ना जल जाए। कई बार ऐसा होता है कि कपूर गिर जाएगा या कपूर जलेगा ही नहीं, लेकिन आपको पूरा प्रयत्न करके उस कपूर को जला देना है। जलाइएगा, उसका लौंग जो है ऊपर का जलेगा, वो एक विशेष गंध देगा। जब वो पूरा जल के राख हो जाएगा ना, तो नींबू वहां से उठा लेना है, बच्चे को वहां से जाने देना है। पहले जो जिस बर्तन में आपने किया उसको तुरंत धो लीजिए, ठीक है, उसको उलट करके अपने देवता स्थान पर उस नींबू को दो भाग में काटिए, ठीक है, और उस नींबू का एक भाग उत्तर की तरफ और एक भाग घर के दक्षिण की तरफ फेंक दीजिए। दोनों को कभी भी एक दिशा में नहीं फेंकेंगे। ये जो विधान है ये पूर्ण रूपेण नजर उतारने का विधान है। इसमें दो चीजें होती हैं, जो नींबू है, जो लौंग है, उसका एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। क्या मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है,
कि वो जब भी एक इंसान के ऑरा आभा मंडल में जब घुसती है ना, तो जो भी अनवांटेड एनर्जी है, वो एनर्जी जो इंसान के आभा के आवश्यकता या उसके प्रकृति के विरोध का है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम उसको अभिमंत्रित करके उसको सर के चारों तरफ घुमाते हैं, तो जो भी अनवांटेड एनर्जी है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको जला देते हैं, लौंग डालते हैं, इसलिए क्योंकि लौंग का भी वही पर्पज़ होता है, कपूर बैलेंस करता है एनर्जीज को, इसीलिए तीनों को डाल के जला देते हैं। उसके बाद देवता के सामने उसकी बलि करते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। जब इसमें अग्नि प्रवेश करवा के उस बच्चे को या जिसका भी आप नजर उतार रहे हैं उसको सामने रखते हैं, तो वहां पर अग्नि भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है क्योंकि आपने मेटल को रख दिया है, और जल भी है और वायु तो है ही। तो पंच महाभूत को उसके सामने आपने बैलेंस किया, तो अगर उसका पंच महाभूत बिगड़ा है तो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूर्ण विधान आज के लिए, इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन और जो भी मंत्र आपको जानना चाहिए अघोर में आने से पहले, उसको सीखने के लिए बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ जाइए। नंबर है 9431188585। ये पेड साधना ग्रुप है, मतलब इसके लिए आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। जिसको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च कीजिएगा तो मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उस पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत आवश्यक हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9431188585, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। माँ भगवती देवी दुर्गा आप सभी को सलामत रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।